हेलो एवरीवन, यूपीएससी आयोग के द्वारा तीन एग्जाम्स को लेकर के नई नोटिस यहां पे जारी की गई। इस नई नोटिस में यहां पर तीन एग्जाम की डेट्स को लेकर के कब तक यहां पर एग्जाम होने वाले हैं उसको लेकर के यहां पर ये नोटिस जारी की गई है। यूपीपीएससी के संदर्भ में यहाँ पे देखा जाए, सभी अभ्यर्थी जो वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर कब आएगा, देखा जाए तो अभी ऑफिशियल यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किए गए हैं, ना ही आयोग के द्वारा इस नोटिस में आरओएआरओ और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम या री एग्जाम को लेकर के कोई डेट यहाँ पे बताई गई है। लेकिन हाँ, संभावना जरूर होगी। एक तरीके से देखा इस नई नोटिस के माध्यम से ये यूपीपीएससी की एक्टिविटी जरूर यहाँ पे दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अब आयोग का एक्टिव हो रहा है, एक एक करके वहां पर वो एग्जाम्स को क्लियर करेगा, एक एक करके यहाँ पर इसको लेकर एग्जाम डेट्स को लेकर आएगा, एग्जाम कैलेंडर भी यहाँ पर हो सकता है वो इसको लेकर के क्लियर कर दे कि कब यहाँ पर यूपीपीएससी के बाकी अदर एग्जाम जो करीब एक दर्जन एग्जाम जो अभी पेंडिंग है वो कब तक कराएगा। फिलहाल जो नई नोटिस है उस पर अगर हम नजर डालें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, ये है नई नोटिस आप सभी की, जिसे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है, आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तीन अलग अलग विभागों के यहाँ पे अलग अलग पदों को लेकर के इंटरव्यू को लेकर के यहाँ पर डेट्स जो है बता दी गई हैं। यहाँ पे आप देखें, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड टू स्तर के यहाँ पे, साइकियाट्रिस्ट के यहाँ पे करीब 37 पदों को लेकर के मई के चौथे सप्ताह में इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर आयोग की तरफ से बताया गया है कि जो संभावित है वो आपको मई के चौथे सप्ताह में होगी। इसी तरीके से चिकित्सा अधिकारी ग्रेड टू के रेडियोलॉजिस्ट पदों को लेकर करीब इसमें देखा जाए तो 70 पद रहेंगे, इन 70 पदों को लेकर भी जो इंटरव्यू होगा वो मई के चौथे सप्ताह में आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और तीसरा जो यहां पर आपको है, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड टू स्तर के डर्मेटोलॉजिस्ट के करीब 52 पदों को लेकर के इनका भी जो इंटरव्यू है वो मई 2024 के चौथे सप्ताह में आयोग के द्वारा यहां पे कंडक्ट कराया जाएगा। इन तीन नई एग्जाम्स को लेकर के या जो कह सकते हैं एक संभावित जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की परीक्षाएं देखा जाए सबसे पहले करा ली रही हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, अभी बाकी चीजें यहां पर कंडक्ट कराना संभव नहीं है, इसलिए जून के बाद ही यहां पर आप देखें तो एग्जाम कैलेंडर और बाकी सारी जो अपडेट्स यहां पर हैं आरओएआरओ और यूपीपीएससी के एग्जाम्स को लेकर जो कि यहां पर अभी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगस्त में होंगी, सितंबर में होंगी, अक्टूबर में होंगी, उसकी भी क्लैरिटी हमें तभी मिलेगी जब यहां पर एक ऑफिशियल यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आप सभी को यहाँ पर आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सभी का फोकस यहाँ पर पढ़ाई पे होना चाहिए। इसी को देखा जाए तो प्रीलिम्स स्टैंडर्ड सीरीज भी हम आप सभी के लिए मंडे से लेकर आ रहे हैं 13 मई से, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स के को ध्यान रखकर जीएस के 100 टॉपिक का रिविजन कराने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे देखिए पढ़ने पर फोकस करना है, एग्जाम कब होगा कराना कैसे है ये आयोग का काम है, ये उन पर छोड़ देते हैं, हमारा काम पढ़ना है क्योंकि हमें यहाँ पे जाकर एग्जाम को क्रैक करना है, हमें कई सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है जिसमें आपको देखा है जीएस भी है, यूपी स्पेशल भी है, करंट अफेयर्स भी है, सीसेट भी है, सामान्य हिंदी भी है, तो वो सब कुछ हमें यहां पर प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट आने से पहले पहले यहां पे तैयारी करनी, मेंस की भी तैयारी साथ साथ हमें करके चलनी है और इस तरीके से अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। तो फिलहाल आज के लिए यहां पर इतना ही, नेक्स्ट जैसे ही आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगी तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, पढ़ाई से लेकर के यहां पर एग्जाम के नोटिस से लेकर के गाइडेंस तक हर तरीके की चीजों को कंटेंट को हम आपके चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज के इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।